सम्मान के साथ डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी ग्राम पुराना रीति से आज हमारा विवाह बक्सर उजाला फिल्म से माध्यम से हो रहा है। विवाह के शीर्षक है ढोंगी गुरु उर्फ राजू मिथिला हत्याकांड चाल लाइन भूमिका के मास्टर अंदाज। झुक के आदम अवनी सकने लगी मंदिर में महाकाल लेता बसेरा इसने श्रद्धा समर्पित किया जो सदा अब उसी के चमन में हुआ है अंधेरा धर्म धंधा बना धर्म के आड़ में जाधर्म स्थल पे चलने लगा जट सट्टा आज ढोंगी गुरु भेड़िया बन गया रक्ति रंजित हुआ राम नानी दुपट्टा आज क्यों कैसे साधु संतों पर विश्वास करें जब खुद वही थाली में खा करके और उसी को छेद कर देते हैं तो क्या करता है। गजल के नमूना मास्टर जब से इनकी जवानियां चढ़ी है गुरु शिष्य का पावन है नाता नजम के लाइन में मास्टर गुरु से बढ़कर ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं बिना गुरु को मिलता सत्य का संदेश नहीं मगर गुरु ने किया शिष्य का दीवाला है गुरुओं की गर्म पल भर में रौंदे डाला है गाजियाबाद में की घटना का बिना की हुई धर्म इंसानियत के नाते शर्म नाच हुई का मकान रहा पर की बेटी से जीव का चलाते थे बड़ा बेटा राजीव हाथ को बचाते थे ए बाबूजी किसान कुमार मिथिला के चार बेटा रहलन बड़ा बेटा राजीव मिथिला रहलन बर्फ की फैक्ट्री से उससे जीवन गुजर बसल कर रहलन पूरा परिवार धर्म विचार कर रहलन
एक प्रसिद्ध के मंदिर के पुजारी प्रेमगिरी से पूरा आस्था लग गई। धीरे धीरे प्रेमगिरी पूरा परिवार को अपने प्रभाव में ले लिया। तर्ज है मास्टर। अचरक लाल गोरी कचरा बनावा लूं, अचरक लाल गोरी कचरा बनावा लूं, बड़ा नीला बल बजरिया में गोरी ढसल बाड़ू, गोरी ढसल बाड़ू, गोरी ढसल बाड़ू हमारी। धीरे धीरे प्रेमगिरी जान गया बत्तिया, रुपया निकाल के लगावना जुगितिया, हरि के भजनिया में मन लगल बटे। ए बाबूजी, प्रेमगिरी बाबा जब जान गए कोई बात कहत तो ये लोग जरूर मानी। ए बाबूजी सुन ले कि कुछ कहे ना इनसे पैसा मांगे और पैसा निकाल के अपन लगावे लगल जुगती। तर जवा मास्टर। या भुइया बिछावे गो नरिया हो दुपहरिया में, सुंदर कवि जी भाव में लिखत हैं। गुरु कैसे के भैया नवा हो कारखाना, बोले है राजू मधुरी के बतावा कारणवा हो करखाना। बाबूजी धीरे धीरे प्रेमगिरी फैक्ट्री में उनके एक दिन पहुंच जाते हैं कुछ संतन के लेकर के अपने। जब गैलन राजू के लगे तो देखलन कि गुरुजी हमरे आज अचानक कैसे आ गेलन, धधा के धाई तले थे उनके अकबरिया में। लेकिन गुरुजी कहा था कि हमको 2 लाख रुपए चाहिए मंदिर बनवाने के लिए, 2-4 महीने में टाइम से पैसा आएगा वापसी कर देंगे।
कहला हे गुरु जी ई सेवा जरूर आपकी करब कर्ज लगल मास्टर राजू को सोचे लगलन दिवाली आ गई और लेबर को पगार बोनस भी देना है क्या करें और कहे न गुरुजी के चारों लाख रुपया हम मांग ली हमारा दिवाली का काम निपट गया। बहुत धीमे स्वर में बोले लगलन ए गुरुजी हमके वो पैसा दे दा। तब तेरी मास्टर अरे मोरे रामा गुरुवर से जब तगादा कर दिया सुन के बात किसका बदल गया इरादा इरादा इरादा। हे बाबूजी जब राजू सोचलन की हम गुरुजी के पैसा मांग लेते तो काम चल जाता चल देलन गुरुजी से मांगे पैसा और मांगा पैसा गुरु की इरादा बदल जाता मन में पाप समाता विदेशिया के लेन में मास्टर पपा समाई गईले पपिया के मनावा में गईले भुलाई गुरु शिष्य के प्रीतिया बारह अक्टूबर 2000 एक ले हो लिहल बोलाई प्रेम गिरी उतपतिया होई के मगन राजू गैल मंदिरावा में जन नहीं सिरावा पे घेरली मऊतिया
कार में बैठा के पापी चलना मंदिरावा से चली के बुलंद शहर लिया दौलतिया। हे बाबूजी, जब बुलंदशहर की तरफ चल देते हैं, राजू को बैठा करके कार में, रात को 8 बज जाता है। पापट की लाइन में मास्टर, मंद हो गई गाड़ी की रफ्तार, मार धोखे के बाद प्रेमगिरी बन गया चंडाल, मार धोखे के बाद पीछे से गोली प्रेमगिरी चंडाल हो, बादल को नाला में तब दिया लाश को डलवाए हो, मटर पनीर के जोहेला परिवार मार धोखे के बाद हो गया करके इंतजार, मार धोखे के बाद बाबूजी कार में बैठा करके प्रेमगिरी राजकुमार ड्राइवर और दिनेश ड्राइवर बुलंदशहर की तरफ चल दिए। उस समय रात को 8 बजे थे, तभी राजू के मोबाइल पर फोन आता है पूनम का, उनकी पत्नी का। बोलती है, कब आ रहे हो सामू, और घर में साग सब्जी नहीं बा, का बनी? बोलना राजीव, ए प्रिया पूनम, हम कुछ ही देर में तो वही वाला है, एक एक घंटा में, और हम मटर पनीर होटल से लाएंगे और सब लोग बैठ करके खाएंगे। तब तक गाड़ी गौतम बादलपुर नाला के पास पहुंच जाती है। आल्हा ने मास्टर, आइल राजीव नहीं अपने भवन में भैया, पूरा परिवार सब गया घबरा, बिलखी बिलखी रोवे पूनम गुजरी है भैया, आकर के सुबह 6 बजे क्या ढूंढना चाहता है, कहता है पूनम क्यों रो रही हो, और हमारे दोस्त भक्त मेरे राजू कहां है? कुछ नहीं बोलती है, रो करके कहते हैं हे गुरुजी, सजमा के तो गई हमें, और पता नहीं चलता। तब तक क्या हुआ, लिया पहचान एक विक्की प्रेम गिर के भैया, रतिया में गईले राजू के लिया, एक
थानवा पर जाके जब कैले की कैले भैया होई के लचार दियला बेदवा हो बाता ए बाबूजी गोली मार के बादल को नाला में मिथल के लाश फेंक देता है और खुद को आकर के क्या परपंच बनाता है। उस समय एक भिक्त पहचान लेता है कि राजू को रात मन के ये रात में खुद लेकर के गया और क्यों ना यही कोई चाल किया है। उस समय सारा जनता घेर लेता है और पुलिस को फोन करके बुला देती है। पुलिस अरेस्ट करती है, मारने पर सारी बात बता देता है। खड़ी खिलाई मास्टर गाजियाबाद मोर चरी में बा मिथल कलसिया रो मिथल परिवारवा हो ढूरे लयसिया खबर तब जनता गरमाई मंदिर के तोड़ कैले साधु के पिटाई घेरे मातम बजले पिराह के बसिया वो मिटल परिवार हो ढूरे लयसिया प्रेमगिरी राजकुमार दिनेश पकड़ाए भाईले ना जमानत जिला जलवा में आए जनता के आवाज बा लगावा फसिया रोए मिथल परिवार ढूरे लयसिया बाबूजी। जब अरेस्ट होता है सब दिनेश ड्राइवर और सारे पकड़े जाते हैं। उम्र कैद का सजा हो जाता है। बहुत लोगों के कहना था कि इनको फांसी दे दिया जाए ऐसे साधु संतों को, लेकिन हम तो कहते हैं ऐसे ढोंगी पर पंची के चक्कर में ना पड़े तो सही है, लेकिन ऐसे ढोंगियों को हम क्या विश्वास करते हैं। गुरु घाने परचो मास्टर गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मन मारे स्वर्ग चंद्र का कवि बच्चन जिया सुधारे हो जब तगादा कर दिया सर्वण राम नरेश के संग में विष्णु दादा गुरुवर से जब तगादा